गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। गाइस हम कोचिंग पढ़कर आ चुके हैं और रास्ते में यहाँ पर पड़ी है बारिश। भाई आज जाएगा कहीं, जाना है आज स्कूल चल रहा है यार, और स्कूल और कॉलेज यार एडमिशन करा के आना है। तो भाई को आज जिम में से क्या मिला था भाई, उसका नाम मसल बूस्टर मिला है, जिससे कि भाई बॉडी दिखाई थोड़ी सी। अबे दिखा के दिखाऊं क्या? ना ना यार, तू उतार का मत दिखा। और गुप्ता भाई क्या हाल है? बढ़िया सर भाई। और सुना कुछ, जागा आज वकालत करने? अच्छा भाई, मेरी तो छुट्टी है नहीं, इनकी पता नहीं कभी इसकी छुट्टी, कभी इसकी छुट्टी, मेरी छुट्टी नहीं होती। अरे भाई साहब ये तो पूरा दिन फ्री है। और हाँ यार, हम तो फ्री है। और सुना क्या खिला रहे हैं फिर आज घर पे? चलो चल रहे हैं, खिला देंगे जो कुछ तो खिलवा दिए यार, भूख लग रही है। वैसे मैं घर तक खा कर ना आया, धीरज कहीं लेके जाएगा तो खिलवा देगा बाइक वाइक उसके बाद। है भाई जिम में जाकर मैं और खत्म हो जाऊंगा। एक मशीन मैं अगर मैंने एक मशीन बिठा दी ना, मैं वहीं बिगड़ जाऊंगा। आज मैं सुबह जिम लगाया, चल रहा है चल रहा है। तो जिम ने गया? लगाया। और देखा कितना आराम है, ये जिम नहीं गया मतलब यार, ये चला रखी और गाली बकी। गाली बकी क्या? तूने तूने बकी? मैंने तो बकी ना गाली। अच्छा मैंने आराम ही गया, कोई बात नहीं। अबे भाई यार वहाँ से महेशपुरी में इतना पानी भरा हुआ है कि भाई मैं देखे जूते तक गीले हो गए। तो गाइस यहाँ पर भरा हुआ है पानी, एक पुलिस वाले अंकल गए थे, उन्होंने ये नहीं, जब उन्हें पता है यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो अपनी गाड़ी आराम से निकाल ले, मैं मारखान बंदे होना जरूरी है यहाँ पर। धीरज भाई जो है नहा धो के मस्त रेडी हो चुके हैं। भाई पानी ठंडा था कैसा? पानी था सही। और धीरज भाई क्योंकि हाँ बाहर जो है काफ़ी बारिश हो रही है काफ़ी तेज़, इसलिए आज मैं अपने घर भी नहीं गया हूँ। और आज का ब्रेकफास्ट जो है यहाँ पर है धीरज भाई के घर पर, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। चाय भाई, पराठे, और ये सब्जी किस चीज़ की? अच्छा अरबी की सब्जी है, पराठे हैं और चाय है। चलो फिर खाते हैं, कोई बारिश बहुत है इसलिए बारिश को बाद में। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और हम आए छत पर, अभी तक मतलब हल्की बारिश हो रही है पर थोड़ी देर में बारिश तेज़ भी हो सकती है। अब हमें जाना है, निकलना है स्कूल के लिए, और यहाँ का व्यू देख सकते हो धीरज के घर का, काफ़ी अच्छा है। गाइस अभी हल्की हल्की बारिश भी आना शुरू हो चुकी है, और अभी हमने अपने क्लास टीचर को कॉल लगाई थी कि सर रिजल्ट और टीसी मिल जाएगी। सर ने कहा टीसी अभी ले जाओ, और अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट अभी टाइम लगेगा कुछ आने में, तो मैं बता दूंगा कॉल करके या ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगा। भाई कुछ कहना चाहता है? हाँ भाई मैं तो ग्रुप में ऐड हूँ। क्या नाम है? अरे मैं एग्जिट ना मारे, इसमें तो मैं यूट्यूब पर लिंक डालूंगा। अच्छा बढ़िया है, सही है ना। मिलते हैं फिर स्कूल जाकर। दोस्तों यहाँ पर जो मछली मार्केट से दूसरी वाली गली है पतली सी, जहाँ पर हल्दी मिर्ची पीसी जाती है, यहाँ पर काफ़ी पानी भर चुका है, और धीरज राय सामने किसी को बुलाने गया है। वो अगर ये यहाँ से गिर गया तो इसके बह जाएगा यहाँ से ही, पानी काफ़ी है मतलब कि टूटने की भी संभावना है यहाँ पर। ये अंश भी आ चुका है, वो है सामने। अब गाइस हम आ चुके हैं स्कूल वाली गली में, और यहाँ पर सामने बस हमारा स्कूल आने ही वाला है क्योंकि वो गली के एंड में ही स्कूल है। चलो फिर मिलते हैं स्कूल में जाकर। भाई को टीसी लेने के लिए छोटा सा फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद से टीसी मिलेगी। और गाइस हम आ चुके हैं मतलब जहाँ पर हमें प्रेयर होती थी, वहाँ से आप नीचे का व्यू देख सकते हो। नीचे यहाँ पर साइकिल खड़ी होती है, सामने स्कूटी, और हम चलते हैं अब नीचे की साइड। और सामने वाली क्लास में भी मैं एक साल बैठा था, यहाँ पर बैठ चुका हूँ। और सामने यहाँ पर भी गली टाइप है, और नीचे का सीन भी काफ़ी अच्छा है, और इस क्लास में बैठ चुका हूँ मतलब कि यहाँ से लेफ्ट में जो है। तो हमें स्कूल में लगभग 1.5-2 घंटे लगे हैं टीसी लेने में, और हम वहाँ से निकल कर पहले हमने करवाई है फ़ोटो कॉपी, और अब आ चुके हैं हमारे, हम आए थे अयान भाई के घर पर। भाई पॉलिटेक्निक चलना है ऐसे जाएगा पैदल? हाँ भाई, ओए सुबह से क्या बाइक पर घूम दिया? बाइक से ना घूम रहे, वो तो हमने हमें पता अयान आने वाला था, इसलिए हमने बाइक घर पर रखा आ गए। धीरज गया है अभी फ़ोटो कॉपी करवाने, और हम खड़े हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर ही। भाई आ जा भाई, मैं भी हूँ उससे आया, उसके धीरज के आने से पहले ख़त्म करना है, ठीक है? कुरकुरा कहाँ है? अच्छा कुरकुरा आप दिखा कहाँ है? भाई गुस्सा होता है हमने खाया ना। भाई से कहा भाई यार प्यास लगी कुछ दिलवा दे, तो धीरज ने जो है एक स्ट्रिंग दिलवाई है, और वे दो ही उधर पी रहे हैं। पी लो सालो, पी लो दोनों। तो हम चल रहे हैं अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज के, ये भाई लोग हमारे आगे जा रहे हैं, फ़ोटोकॉपी हमारी हो चुकी है।
दोनों मतलब कि अकेला मियाँ छोड़ के पीछे दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं। मतलब तो हम तीनों भाई जा रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के, मतलब हम आ तो चुके थे और अंदर जा रहे हैं। शॉर्टकट पड़ा थोड़ा सा, बस शॉर्टकट आए यहाँ से आगे से हम जाएंगे राइट में इधर अंदर। तू पेपर देना है यहाँ पे, पेपर देना मैं आ भी चुका हूँ। तू भी आया पेपर देना है? होश अबे घर इसका पास में जो मतलब बाहर बैठा हमें जैसे हम अपना अगर फार्म भरेंगे तो हम बाहर जाएंगे तो दोनों मौज करेंगे बाहर जाके। मैं भी देखो जरा बाहर से जा रहा हूं काशीपुर की पॉलिटेक्निक भाई टेंस बेस्ट है, सबसे बढ़िया तो टेंस ना, मतलब अयान और मैं जो ना यही मिलेंगे थे, वो भी एक साल बाद है। हाँ एक साल बाद ही मिलेंगे। पेपर देने यही था मैं पेपर दिया ही ना यार इन्होंने यार। दोस्तों हम गए थे अंदर पता करने कि अभी काम हो जाएगा क्या, उन्होंने कहा कि अभी काम नहीं हो जाएगा, काउंसलिंग का रिजल्ट, वो क्या नाम है सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी उनका लंच ब्रेक, वो लंच हो रहा है अभी, लंच हुआ है और बाद में अभी एक या दो घंटे बाद लंच खत्म होगा, उसके बाद जाएंगे। फोटो खींचना तेरा, कहां जाएंगे तेरा फोटो खींचना? क्या घर जाना? नहीं जाना घर, अब नहीं जाना तेरे घर, अब नहीं जाना। अयान भाई के घर बन रहा छोले भटूरे, कहाँ पार्टी है वो आज, तो पार्टी होगी, पार्टी है कोई बात नहीं, इनवाइट हम जाएंगे नहीं फिर भी। दो बेजवान आत्माएं जा रही हैं आगे, यहाँ का है ये सामने मेन गेट, ऐसे इसके पीछे वाले गेट सर। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर पर, और हमने अयान को घर पर छोड़ने के बाद हम गए थे अपने फोटोकॉपी कराने। फोटोकॉपी करवा कर हम 2:30 बजे तक पहुंचते हैं कॉलेज में। कॉलेज से हमने कहा कि सर हमारा एडमिशन होना था, सर ने कहा फिर कि एक काम करो फार्म ले जाओ इसे फिल कर लेना और 12,900 फीस भर देना। फार्म फिल करने के बाद हम वापस जाते हैं सर के पास कि सर देख लेना भैया और कुछ भरना है इसमें। सर ने कहा हो गया, एक बार तुम्हारा डॉक्यूमेंट जो है चेक कर लेता हूँ, पर उसके कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो यूपी के हैं पर उसका एडमिशन इसलिए नहीं हो सकता। हमने फिर सर से कहा सर और कोई तरीका है एडमिशन जिससे हो जाए वरना तो एक साल बर्बाद ही हो जाएगा। तो सर ने कहा अगर आप 2 दिन के अंदर कागज अपने चेंज करवा सकते हो तो देख लो वरना तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर धीरज गया तहसील में, मतलब कि हम पॉलिटेक्निक कॉलेज से आगे भागे आए तहसील में, पर तहसील में जो है मतलब 5 बज चुके थे इसलिए जो है उनकी छुट्टी हो गई थी, जिनसे मतलब हमें मिलना था 2 बंदों से उनकी छुट्टी हो चुकी थी इसलिए वे अपने घर चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप कल आ जाना 10 बजे के बाद। तो धीरज ने कहा ठीक है 10 बजे तक आ जाएंगे हम। अब गाइस हम आए थे शंकर स्वीट की तरफ से, तो हमें मिली दुकान तो वहाँ पर समोसे मतलब रखे थे, वैसे तो शाम के टाइम मिलते नहीं है फिर भी मतलब वहाँ पर रखे थे समोसे। तो हमने दोनों ने एक एक समोसा खाया, खाते खाते मतलब अपने धीरज के घर पर पहुँच गए। मैंने वहाँ से साइकिल उठाई, मैं आ चुका हूँ अपने घर पर। पापा कह रहे हैं कहाँ था पूरे दिन दिखाई नहीं दिया, अगर आपका काम तक आया था इसलिए दिखाई नहीं दिया, कॉलेज गया था पॉलिटेक्निक। तो गाइस शाम का टाइम जो है छत का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और इसलिए मैं डायरेक्ट छत पर आया हूँ। तो गाइस खाना होना तो मैं मतलब ना आते ही मैंने खा लिया था और मैंने दोपहर में ही मैंने वहाँ पे छोले चावल खा लिए थे रास्ते में। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।